खबर बांदा जनपद के बबेरू से है, जहां तहसील पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के द्वारा भारी संख्या पर पहुंचकर किसान महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन शासन के द्वारा महापंचायत कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई, जिससे बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सत्याग्रह पर कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील ग्राउंड का है, जहां पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रहलाद करवरिया के नेतृत्व में किसान महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन शासन के द्वारा किसान महापंचायत कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई, जिससे इस तहसील ग्राउंड पर किसान महापंचायत की जगह सत्याग्रह पर बैठ गए और केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वह किसान बिल का विरोध किया और दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए दिल्ली जाने के लिए किसानों का आह्वान किया। वहीं बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने सत्याग्रह हुए बबेरू उपजिलाधिकारी सौरभ शुक्ला के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने बताया कि केंद्र की सरकार जो किसानों का बिल पास किया है, वह किसानों के हित में नहीं है। दिल्ली में पंजाब हरियाणा के किसान कृषि कानून वापस लेने को लेकर आंदोलन कर रहे, लगभग 2 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं और कुछ किसान शहीद भी हो चुके हैं। उन्हीं के समर्थन में किसानों ने सत्याग्रह किया और 26 जनवरी को हमारा प्रदर्शन परेड ग्राउंड बांदा पर किया जाएगा और वहीं पर किसान महापंचायत कर सत्याग्रह करेंगे। हमारे यहाँ के किसान दिल्ली के आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं या सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए, जिसको लेकर पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है। देखिए, जो दिल्ली किसान आंदोलन चल रहा है आज तीनों कृषि बिल के विरोध में, हम लोग यहाँ बबेरू तहसील प्रांगण में किसान महापंचायत का आयोजन चल रहा है और तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं, इसको लेकर के यहाँ पर आज आंदोलन है और हमारी मांग है कि सरकार तीनों किसान बिल वापस ले, और जब तक किसान वापस नहीं लेती तब तक हमारा पूरे बुंदेलखंड में इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा और दिल्ली में भी किसान आंदोलन में सहभागिता बनी रहेगी। अच्छा, इसमें जैसे प्रशासन कुछ रोक लगा रहा है, जैसे देहातों से किसान आ रहे हैं और उनको रोक लगा रहे हैं, इसमें क्या? देखिए, ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है सरकार की और इसी तानाशाही राज के खिलाफ ये जो कानून बनाए हैं, काले कानून बनाए हैं सरकार ने, इन्हीं के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और जो किसानों को रोका जा रहा है, आज यहाँ महापंचायत में भी अव्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्याग्रह इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पर एक पंचायत करने वाले थे, जैसा हमारा किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है, चारों बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर में हमारे 230 आदमी जत्था एक हमारा भी वहाँ लगा हुआ है, हम लोग वहाँ से अभी 20 दिन रह के आए हुए, तो हम लोगों ने यहाँ एक जनजागरण के तहत किसान जग जाए, यहाँ का किसान भी तैयार रहे, क्योंकि किसान सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा यह है कि किसान थका करके भगाने के चक्कर में, लेकिन किसान थकने वाला नहीं है। यहाँ अगर ऐसी बात नहीं बनी तो हम लोग अगर दिल्ली नहीं जा पाए तो गांव-गांव 26 जनवरी के दिन ऊपर झंडा नीचे किसान का झंडा, तो ये हम आंदोलन के रूप में चलाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ जनजागरण पंचायत करने वाले थे, लेकिन SDM साहब ने हमें जमीन में बैठने को मजबूर कर दिया, हमारा टेंट उखाड़ ले गए पुलिस और यहाँ पर पुलिस ने रोका, तमाम ट्रैक्टर हमारे रुके हुए हैं और इसमें आवासी रोड में, हमासी रोड में, यहाँ बांदा रोड में तमाम किसान वापस चले गए, यहाँ हजारों किसान हो गए। यहाँ पर सत्याग्रह किसानों का चल रहा है, हमारा एक दिवसीय यहाँ किसान महापंचायत थी, वो हमारी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए प्रशासन के द्वारा पंचायत जो है रोकी गई है, इसलिए पंचायत का रूप बदल के हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और हमारा जो वहाँ बॉर्डर पे किसान पड़ा है उनका समर्थन और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा जी अपने किसानों को संबोधन करके तीनों काले कानून वापिस ले के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय जी को उप जिलाधिकारी बबेरू के माध्यम से ज्ञापन होना है, यही हमारा एक कार्यक्रम था। क्या नाम है? प्रहलाद करोरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड किसान यूनियन।